हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन हिंदी भाषा में पद विभाग में सूरदास के बारे में, सूरदास के पदों में भगवान कृष्ण का जो भगवान कृष्ण के बारे में और राधा के बारे में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण है वह किस तरह से राधा को है वह रिझा करके या बहला करके फुसला करके किस तरह से वो अपने बातों में फुसा करके उनको खेलने के लिए राजी करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें उससे पहले अपन थोड़ा सूरदास के बारे में कवि परिचय शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनका जन्म है वह 1540 ईस्वी में दिल्ली और आगरा के पास इसकी रुनकटा गाँव में हुआ था। और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म है वह सिही गांव में हुआ था तथा ये अपने पदों के माध्यम से लोगों के जनमानस पर है वह अत्यंत ही छाए हुए हैं। तो अब अपन देखते हैं कि पद सूरदास का पद, उसमें बताया है कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद झूठा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हे, खेलन चलो सब मिली जोरी, सूरदास प्रभु नसी शिरोमणि बातनी भुरई राधिका गोरी। अब प्रस्तुत पद, सबसे पहले अपने को इसमें प्रस्तुत पद में सबसे पहले प्रसंग को बताना है कि किस तरह से बताना, देखना कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सूरदास से अवतरित किया गया है तथा सूर सागर से लिया गया है। और इसमें कृष्ण ने वह भोली भाली राधिका को किस तरह से खेलने के लिए वह प्रेरित किया या तैयार किया उसके बारे में बताया है। और ये संवाद परक है क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण दोनों का क्या होता है, संवाद होता है, वार्तालाप होती है, बातचीत होती है उसके बारे में यहाँ बताया है तथा इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और बुझत श्याम कौन तू गोरी, बुझत मतलब होता है पूछना, कौन पूछ रहा है, भगवान कृष्ण, बुझत श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, बुझत पूछते हैं कौन तू गोरी, कौन है गोरी, हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती, कहाँ पर रहती हो, काकी है बेटी, तू किसकी है बेटी, देखी नहीं तुझे देखा नहीं है, कबू मतलब कभी भी, ब्रज खोरी, खोरी मीन्स होता है ब्रज की गली में, ठीक है, ऐसे हमने या तक फिर से एक और बार रिपीट, बुझत बुझत मतलब पूछना, श्याम भगवान कृष्ण पूछते हैं कि कौन तू गोरी, राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती मतलब कहाँ तुम रहती हो, काकी है बेटी तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं तुम्हें अभी तक हमने देखा नहीं है, कभी ब्रज खोरी कभी भी अभी तक देखा नहीं है, ब्रज खोरी, खोरी मीन्स होता है ब्रज की गलियों में हमने अभी तक तुमको देखा नहीं है, काहे को हम ब्रज तन आवती, अब कौन बोल रहा है, राधा, राधा बता रही है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, क्यों हम ब्रज तन आते, तन मतलब गली, ब्रज तन ब्रज की गलियों में आती, खेलत रहती अपनी पोरी और खेलती ही रहती कहाँ पर, अपनी पोरी, पोरी मीन्स होता है बरामदा, ठीक है, बरामदा, खेलत रहती काहे को हम ब्रज तन आती, अब राधा जी कह रही कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आती, खेलत रहती अपनी पोरी, हम खेलते ही रहते अपनी ही गलियों में, पोरी मीन्स होता है गली, अपनी ही गली में हम खेलते रहते, सुनत रहती राधा जी कह रहे हैं कि सुनत रहती, हमने सुना है श्रवणनी अर्थात कानों से, इसका अर्थ होता है कानों से, हमने कानों से सुना है, नंद ढोटा मतलब नंद बाबा का बेटा, करत फिरत करता रहता है, माखन दही चोरी मक्खन और दही की चोरी करता रहता है, राधा जी और भगवान कृष्ण को कह रही है कि हमने अपने कानों से मिस होता है, अपने कानों से सुना है कि नंद ढोटा अर्थात नंद बाबा का जो बेटा है करता रहता है क्या, माखन और दही की चोरी करता रहता है, ऐसा हमने सुना है, तुम्हारो कहाँ चोरी हम लेके, इस बात पर भगवान कृष्ण है वह राधा को कह रहे हैं कि तुम्हारो मतलब तुम्हारा कहाँ चोरी हम लेके, हमने तुम्हारा क्या चोरी कर लिया है, खेलन चलो चलो खेलने
जाते हैं और संग संग में वह खेलते हैं, साथ में खेलते हैं। सूरदास सूरदास कवि सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु रसिक, प्रभु रसिक, प्रभु मतलब भगवान कृष्ण रसिक है, शिरोमणि शिरोमणि है बातरी अपनी बातों में, रसिक अपने रसीली बातों से, भुरई भोली भाली, भुरई भी सोता है, भोली भाली राधिका गोरी, भोली भाली राधिका को है वह हंसा लेते हैं अपनी बातों में और खेलने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं, तत्पर कर लेते हैं। और इसमें ये तो होगी अपनी व्याख्या, और इसके बाद में आएगा सबसे पहले प्रश्न, उसके बाद में व्याख्या, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर तीन में है वह विशेष। विशेष में अपने को सबसे पहले कौन निकालना है, प्रस्तुत पद में शब्द चयन की चारुता, भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। नंबर दो भाषा सरल सहज। नंबर तीन जय संवाद पर प्रयोग हुआ है। अपने को विशेष में नंबर एक पॉइंट पे डालना है, प्रस्तुत पद में शब्द चयन की चारुता भावानुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर दो में भाषा सरल सहज तथा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर तीन संवाद परक शैली का प्रयोग हुआ है तथा इसमें कवि ने है वह भगवान कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताते हुए इसमें भोली भाली राधिका को है वह खेलने के लिए तैयार किया, इसके बारे में बताया। तो इस तरह से सूरदास का जो पहला कवि है वो यहाँ पर क्लियर।